आज से तकरीबन 10 साल पहले केदारनाथ में बादल फटा और इसके चलते इस सदी की प्राकृतिक त्रासदी आई जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। इस आपदा के निशान आज भी केदार घाटी से लेकर केदारनाथ मंदिर तक दिखाई देते हैं, जो यहाँ के लोगों के चेहरे के भाव से साफ झलकता है कि आज भी वो जख्म ताजा है। इन जख्मों को भरने के लिए हालांकि सरकारों ने काफी प्रयास किए हैं, जो कि दिखता भी है। नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। साल 2013 में ही केदारनाथ त्रासदी को एक दशक बीत चुका है, लेकिन अब भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म जिंदा है। 16-17 जून 2013 को आई आपदा के बाद केदारनाथ में हुई तबाही का मंजर इतना खौफनाक था कि चारों तरफ विनाश लीला थी। यहाँ चोराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर ने तबाही मचा दी थी। किसी ने सोचा नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप धारण करके तांडव मचा देगी। उस रात सैलाब के रास्ते में आए सैकड़ों घर, रेस्टोरेंट और हजारों लोग बह गए थे। उस मनुष्य रात ने हजारों जिंदगियों को लील लिया था, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी में बहने से किसी का पता ही नहीं चला कि कुल कितने बहे, इसका हिसाब किताब आज तक नहीं लगाया जा सका है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 30 से लेकर के 50,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आई थी। अचानक आई जलप्रलय से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ने लगे। वे सुरक्षित जगह की तलाश में ऊपर चढ़ते रहे और आखिरकार भूख, प्यास, थकान, ठंड और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों की मौत हो गई। केदारनाथ, रामबाड़ा और गोरीकुंड के ऊपर की पहाड़ियों में सैकड़ों लोगों के शव मिले और इन शवों के मिलने का सिलसिला बाद के सालों तक लगातार चलता रहा। अपनों की तलाश में रोज सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचते, हाथों में फोटो लेकर और पोस्टर लेकर सड़क का कोई भी कोना लेकर बैठ जाते। उस वक्त तीर्थनगरी की दीवारें मानो लापता लोगों के पोस्टर और फोटो से पट गई थी। हर कोई इस उम्मीद में यहाँ पहुंचता था कि शायद उसके अपनों की कोई खबर कहीं से तो यहाँ तक पहुंचेगी, उन्हें पता लगेगा कि उनके अपने जिंदा हैं। आज भी करीब 4,000 से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। साल 2013 का जिक्र आते ही उत्तराखंड के लोगों की आंखें आज भी नम हो जाती है। अपनी आंखों के सामने से पानी में अपनों को बहते देखने के सिवाय कोई दूसरा चारा बचा ही नहीं था। लोग आज भी अपनों के इंतजार में दिन गिन रहे हैं कि काश किसी दिन सामने से उनका पोता, दादी, दादी चिल्लाता आ जाए, लेकिन हर कोई व्यक्ति इस सत्य से वाकिफ है। कई महीनों तक रेस्क्यू कार्य होने के बाद भी सैकड़ों लोगों के नरकंकाल यहाँ मिले थे। पुलिस के पास हजारों लोगों की गुमशुदगियां दर्ज हुई, जिसमें से विभिन्न सर्च अभियानों में सैकड़ों नरकंकाल बरामद किए गए। बीते कई सालों तक जगह जगह दबे हुए शव मिले, ये उसी त्रासदी के शिकार हुए लोग हैं जिनकी पहचान अब केवल नरकंकाल के रूप में हुई है। तबाही इतनी ज्यादा भयावह थी कि रेस्क्यू कार्य करने में महीनों बीत गए। अपने की तलाश में दर बदर लोग भटकते रहे, काश कोई मिल जाए, लेकिन प्रकृति के तांडव से कुछ नहीं बचा था। उस जलप्रलय के बारे में कहा जाता है कि जिस समय केदारनाथ धाम में भयंकर बाढ़ आई, उस समय मंदिर के ठीक पीछे ऊपर से बहकर एक बड़ा विशाल पत्थर मंदिर के तुरंत पहले आकर के रुक गया, जिसने बाढ़ की रफ्तार को थाम लिया। इस विशाल पत्थर ने बाबा केदार के मंदिर को तो सुरक्षित कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार मिलते शवों ने तमाम उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर गलती कहाँ हुई है। जो पत्थर बाबा केदारनाथ धाम के पीछे आकर के रुका, उस पत्थर को आज भी एक देवशिला के रूप में पूजा जाता है और नाम दिया गया है भीमशिला। इस जलप्रलय से केदारनाथ धाम से लेकर नीचे उत्तराखंड तक करीब 2,241 होटल, धर्मशाला और अन्य भवन पूरी तरह से तबाह हो गए थे। मुसीबत में फंसे लोगों को, यात्रियों को, वहां रहने वालों को बचाने के लिए पुलिसकर्मियों और एनडीआरएफ की टीम ने अपनी जान पर खेलकर लगभग 30,000 लोगों को बचाया था। साथ ही यात्रा मार्ग एवं केदारनाथ घाटी में फंसे करीबन 90,000 से अधिक लोगों को वायुसेना द्वारा प्रलय के दौरान सुरक्षित बचा लिया गया था। हालांकि सरकार के लगातार 9 सालों के प्रयासों के बाद से केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए बाबा के मंदिर तक मोबाइल के टावर लग गए हैं। मौसम का हर पल ध्यान रखा जाता है। जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से यात्रा के आगे शुरू रखने की मंजूरियां दी जाती हैं। केदारनाथ धाम भव्य हो गया है। बाबा केदारनाथ की नगरी अब ऐसा लगता है मानो काया पलट गई हो। चारों ओर से सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय सुरक्षा दीवार बनाई गई है। मंदाकिनी व सरस्वती नदी में लगातार बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जा रहे हैं। साल 2013 से पहले जहाँ सीमित संख्या में तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन को पहुंचते थे, वही अब केदारपुरी के संवरने के बाद ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपदा में केदारनाथ पैदल मार्ग ध्वस्त हो गया था, यद्यपि केदारनाथ यात्रा के पहले पड़ाव यानी कि गोरीकुंड से लेकर धाम तक की पैदल दूरी अब 19 किलोमीटर हो गई है, लेकिन ये मार्ग 3 से 4 मीटर चौड़ा किया गया है ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। साल 2019 से धाम में तो स्थिति यह हो गई कि दर्शनों के लिए मंदिर को पूरी रात तक खुला रखना पड़ा। कोरोना काल में जरूर तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित रही, लेकिन वर्ष 2022 के बाद अब इस वर्ष 2023 में भी तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है और प्रतिदिन 20,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच रहे हैं। यह है बाबा केदार की भव्य महिमा। लेकिन सोचना बनता है, केदारनाथ त्रासदी प्रकृति के साथ हुई मानवीय खिलवाड़ का ही नतीजा था, जिसका अंजाम इतना खौफनाक था जो कि भुलाए नहीं भुला जाएगा। ऐसे में
मनुष्य को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की कोशिशें बंद करनी होगी, अन्यथा प्रकृति ऐसा ही अपना रौद्र रूप दिखाती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।